हमने बच्चों यूज ऑफ हैव एंड हैज देखा था, कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे और हमने उससे यह निष्कर्ष निकाला था कि आई यू वी दे प्लूरल पर्सन के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं और ही शी इट सिंगुलर पर्सन के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे उसके एक चाचा बम्बई में है, तो उसके हमने यहाँ पर लड़की माना है, तो लड़की के लिए हम शी लगाएंगे। अगर हम लड़का मानते तो हम ही लिखते। तो यहाँ हम शी हैज एन अंकल इन बॉम्बे। तो जो वॉवल्स होते हैं, जो जो वर्ड वॉवल्स के द्वारा ए आई ओ यू के द्वारा से शुरू होते हैं, उनके आगे हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं, तो एन अंकल। अब दूसरा है, चिड़िया की चोंच होती है। चिड़िया ए बर्ड हैज, ये क्या है? बर्ड जो है वो क्या है? सिंगुलर पर्सन, एक चिड़िया है, इसलिए हम उसके साथ क्या यूज करेंगे? हैज। ए बर्ड हैज ए बीक, बीक माने चोंच, चोंच होती है। अब है मेरे, मेरे यहाँ पर आई आ रहा है, आई के साथ हम हैव लगाएंगे। मेरे दांत में दर्द है, आई हैव ए टूथहेक, दांत दर्द को टूथहेक बोलते हैं। अगला है, मुझे सर्दी है, मुझे सर्दी है के लिए क्या बोलेंगे? आई हैव ए कोल्ड, आई हैव ए कोल्ड। उन लोगों के पास पर्याप्त पैसे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ हम यूज करेंगे दे, और दे के साथ ये हम यूज करेंगे हैव। तो दे हैव, पर्याप्त को बोलते हैं इनफ, पैसे मनी, दे हैव इनफ मनी। हम लोगों के पास एक कार है, हम लोगों के लिए वी बोला जाता है, वी, वी के साथ भी हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, तो वी हैव ए कार। अब हम हैव और हैज का प्रयोग और कैसे होता है, कैसे होता है? परफेक्ट टेंस, सिंपल परफेक्ट टेंस में हम हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे।